हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोने का चरण में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लिख रहे हैं शिव महापुराण की कथा का दूसरे खंड का छठा अध्याय और सातवां अध्याय। तो हम आपको बता दें कि पिछला चौथा और पांचवा जो अध्याय है वो आपको नीचे लिंक बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कड़ी बनी रहती है स्टोरी की। तो पिछले अध्यायों में जो था वो ब्रह्मा जी ने कामदेव को भोलेनाथ पर वान चलाने के लिए भेजा ताकि वो विवाह के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कामदेव दोनों बार पराजित होकर वापस आया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का सहारा लिया, उनकी स्तुति की, तो विष्णु भगवान ने उनको मार्गदर्शन किया कि ब्रह्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की शादी हो तो उसमें सबका कल्याण होगा, लेकिन उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा और राजा दक्ष को भी माँ उमा का ध्यान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही माँ जगदम्बा उनके घर में सती रूप में जन्म लेगी। तो अब हम देखते हैं छठे अध्याय में कि विष्णु जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर ब्रह्मा जी ने क्या किया। छठा अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया। अब उनके माइंड में ये बात सेट हो गई थी कि अब मुझे द्वेष नहीं रखना है भगवान के लिए, जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर रखा हुआ था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा कि पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान शिव की पत्नी हो सके, ऐसा होने पर तुम संसार में धन्य हो जाओगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और वरदान मांगो कि प्रभु आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपाणि आदिशक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं, उनकी महिमा का पार वेद नहीं पा सकता कोई। वे तपस्या के वशभूतों को निश्चित दर्शन देते हैं। जब उनके कृपालु शिव ने मुझे उत्पन्न किया था उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण कर लेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी आदिशक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी उत्पन्न होती है, कला से उमा के रूप में जन्म लेकर वह हर अवतार की पत्नी होगी। भगवान सदाशिव ने बताया कि हमारे स्वरूप की आदिशक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वे आदिशक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु हे दक्ष, वे आदिशक्ति हमारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी से देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और ना अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिसे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा हुए हैं। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। बोलो छठा अध्याय समाप्तम। जगदम्बा माता की जय। सातवां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित ना हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अन्य मुख चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्र भूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर रूढ़ थी। उनके स्वरूप को देखकर मैं अपने मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उसी समय जगदम्बा भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा कि ब्रह्मा, तुम जो चाहते हो वे वर मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए मातेश्वरी रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं, व्यर्थ ही धिक्कारा है, अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें जिससे वे भी हमारे ही समान ग्रस्त हो जाए। जैसे कुंवारे दोस्त होते हैं ना, शादीशुदा दोस्त होते हैं, कहते हैं कुंवारा भी ब्याह जाए इसको भी पता लगेगा कबीलदारी क्या है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिएगा, क्योंकि इसी विलासा के लिए वह भी आराधना कर रहे हैं। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम धोखा देखकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इसमें तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने संकट उपस्थित कर दिया। मैं तुम्हें वरदान ना दूँ तो वेद मार्ग नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती ने योग धारण द्वारा उन ब्रह्मा परम प्रवेश कर ध्यान किया जो अपने भक्त को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अनंत कारण हाल करते हैं। जानते भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यान अवस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी भोलेनाथ ने लीला रची और माँ जगदम्बा जी के साथ मिलकर
आगे का प्लान बनाया कि हम ब्रह्मा जी को ही मोहित कर देंगे। ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि हम भोलेनाथ को मोहित कर रहे हैं, भोलेनाथ के लिए जाल बुन रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बुने हुए जाल में वे खुद ही फंसने वाले हैं। तो ब्रह्मा ब्राह्मण हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज है, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ना तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और ना संसार में आनंद प्राप्त होगा। तो मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती माया अंतर ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तो हमने देखा छठे और सातवें अध्याय में ब्रह्मा जी ने माँ भवानी को याद किया और उनसे कैसे वरदान मांगा और माता रानी ने उनको वरदान दे भी दिया। किसकी इच्छा से? महादेव की इच्छा से कि अब ब्रह्मा जी को खुश करो, कोई बात नहीं, जन्म लीजिए, हम अवश्य आपको स्त्री रूप में स्वीकार करेंगे। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे हम आपको सुनाएंगे आठवां, नौवां और दसवां तीन अध्याय इकट्ठे, तो उनको सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। नीचे आपको लिंक बॉक्स में हमारी पुरानी वीडियो के लिंक भी मिलेंगे। जिन्होंने पिछले अध्याय नहीं सुने तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखने से कड़ी चलती है और हमें स्टोरी समझ में आती है कि हमने क्या सुना है। यदि हमारी कथा अच्छी लगी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।